नमस्ते दोस्तों, आज हम कटहल का सूखा सब्जी बनाएंगे। सबसे पहले कटहल को काट लेंगे, थोड़ा सा तेल लगाएंगे हाथ में इस तरह से। इस तरह से कटहल को काट लेंगे। सारे छिलका को पहले हटा लेंगे, छील लेंगे अच्छे से। बीच का जो भाग होता है उसे भी काट कर निकाल लेंगे। इस तरह से छोटा छोटा पीसेस में काट लेंगे। कटहल को धो के अब इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। प्रेशर कुकर में डाल दिए, अब इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और ढक्कन लगा के 3-4 सीटी लगा लेंगे। उसके बाद सब्जी बनाएंगे। देखिए कटहल बॉयल हो चुका है, सॉफ्ट हो गया है। मैशर से मैश कर लेंगे इस तरह से। मैश हो गया है, अब इसे साइड में रख देंगे। देखिए एक प्याज बारीक काट के ले लिए हैं, एक टमाटर है उसे भी काट लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता है, एक हरी मिर्च है। तो अब चलते हैं सब्जी बनाने। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब उसमें सरसों का तेल डालेंगे, आधा चम्मच पचफोरन डालेंगे, 2 तेज़पात डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, और 2 सूखी मिर्च डालेंगे। प्याज डालेंगे, और प्याज को 1 मिनट भूनेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज और लहसुन को भुनेंगे 2-3 मिनट। गैस की फ्लेम हाई ही रखेंगे अभी। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर, देखिए प्याज भून चुका है। अब इसमें मसाला डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा पानी डालेंगे। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को भूनेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी में। ये तीखा नहीं होता है। बीच में 1-2 बार मसाले को चला लेंगे। देखिए मसाला भून चुका है,
इसमें कटहल जो मैश किए थे उसको डालेंगे, मैश किया हुआ कटहल को डालेंगे। गैस की फ्लेम लो कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और 5 मिनट भुनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हरा धनिया पत्ता डालेंगे, चला लेंगे एक बार। थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे क्रश करके। अच्छे से चला लेंगे। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसे पराठा रोटी चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से। तो देखिए कटहल का सूखा हुआ सब्जी बनकर तैयार है। अब गैस ऑफ कर देंगे। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। कटहल की सब्जी गर्मा गर्म परोसने के लिए तैयार है। इसे आप भी बनाइए, खाइए और बताइए कैसा लगा मेरा रेसिपी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।